नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। 15 दिन से मजदूर सुरंग के अंदर हैं, वहां उनकी सेहत कैसी है, उनकी मेंटल स्थिति कैसी है, वह कैसा महसूस कर रहे हैं, इन सब का पता लगाने के लिए अब नई टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। ड्रोन के जरिए मजदूरों से संपर्क किया जाएगा, ड्रोन के जरिए मजदूरों का हाल जाना जाएगा। इन सब काम के लिए भारतीय सेना ने ड्रोन मैन मिलिंद राज से संपर्क किया है, जो अपनी रोबोटिक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके 41 मजदूरों को निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है उसमें वो काम करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है और अच्छा लगेगा कि अगर मैं एक नागरिक होने के नाते अगर ये काम कर पाया। कौन है मिलिंद राज, और फिर जानेंगे कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वो अपनी मदद किस प्रकार से दे पाएंगे। लखनऊ के रहने वाले मिलिंद राज एक रोबोटिक साइंटिस्ट हैं, जो कि तकनीकी तौर पर भारतीय सेना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मिलिंद राज का दावा है कि उन्होंने जो ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाई है वो पाकिस्तान और चीन की जो नापाक साजिश है उनको चकनाचूर कर रही है, और भारतीय सेना में इसका इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो उनके बनाए हुए ड्रोन्स हैं वो भारतीय सेना में उसका इस्तेमाल हो रहा है, और कई ऐसे ड्रोन पर बनाने के लिए काम भी कर रहे हैं जो फ्यूचर में सेना के काम आएंगे। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो, या फिर रेलवे की दुर्घटनाओं को भी रोकने के लिए वो कई अलग अलग ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 से 3 मीटर तक जमीन के अंदर मिट्टी की स्थिति और बीज की वृद्धि का ड्रोन के जरिए पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एम्बुलेंस की तुलना में आप ड्रोन से उससे कम समय पे जल्दी से वहां तक मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल हेल्प वहां पर पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा रेलवे के ट्रैक पर पहले से ही ड्रोन को लगातार मॉनिटरिंग उसकी की जा सकती है। अगर ट्रैक पर कोई दिक्कत है तो उसका पहले से ही पता चल जाए, जिससे कि बड़ा कोई रेल हादसा होने से हम रोक सकते हैं। अब इसके अलावा इनको ड्रोन मैन का टाइटल किसने दिया मिलिंद राज को? विज्ञान के क्षेत्र में मिलिंद राज को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए बहुत तारीफें मिली है। इसके लिए कामों के लिए पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम भी उनकी काफी प्रभावित हुए थे उनसे। उन्होंने ही मिलिंद राज को ड्रोन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल भी दिया था। फरवरी 2023 में लखनऊ में हुए इन्वेस्टर समिट के दौरान पीएम मोदी ने भी मिलिंद राज की खूब तारीफ की थी, और उनकी वाहवाही भी पीएम मोदी से खूब बटोरी थी। सुरंग से 41 मजदूरों को निकालने के लिए अब ये ड्रोन काम कैसे करेंगे? मिलिंद राज ने खुद बताया कि मजदूरों को इंटरनेट जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि वह अपने घर वालों से संपर्क कर सके, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये उन्हें पता चले कि उनको बाहर निकालने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और वह जल्द ही टनल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की मेंटल हेल्थ ठीक रखना यह सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने वहां पर धूप मिल नहीं पा रही और कई तरह की समस्याओं से वो लोग जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर वह फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली ठीक नहीं है तो उनका मेंटल वेलबींग पर ध्यान देना सबसे ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ड्रोन इस रोबोट के जरिए हम अल्ट्रावायलेट सिस्टम का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जर्म्स को मारने में यह काम आती है ताकि मजदूर बीमार ना हो, उनकी मानसिक स्थिति ठीक रहे। अगर वो अपनी बात कोई बात कहना चाहते हैं तो जैसे उदाहरण के तौर पर कोई शख्स लिफ्ट में फंस जाता है तो वह घबरा जाता है, और अगर बाहर खड़े आदमी से उसकी बात हो जाए तो उसको बहुत शांति मिलती है। मानसिक शांति के लिए ये सब काम किया जाएगा। ये लोग जो 16 दिन से टनल में फंसे हुए हैं, ड्रोन उनको आश्वासन देगा कि कोई पूरा टाइम बाहर से उन्हें देख रहा है, और अगर उनकी सेहत में गिरावट आती है तो पूरे टाइम उनके लिए मेडिकल व्यवस्था पूरी तरह से रहेंगी। देखिए, वीडियो कॉल पर वो अपने घर वालों से बात कर पाएंगे। इसके अलावा जो चीज़ बाहर रेस्क्यू टीम को भी वो लोग देख पाएंगे कि किस तरह से उनको बचाने के लिए काम किया जा रहा है। उनके लिए मोबाइल फोन भी वहां पर भेजे गए, लेकिन उनमें वहां पर इंटरनेट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये इस सर्विस के जरिए उन्हें इंटरनेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वे अपने रिलेटिव से बात कर सके, वीडियो देख सके, अपने संपर्क में दूसरों से रह सके। उन्होंने कहा यह मिशन एक तो रूट की वजह से बहुत चैलेंजिंग है, कहां से इसका रूट बन जाए, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका सेफ नहीं होता, और ये जो है लैंडस्लाइड का प्रोन इलाका है, यहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड होती रहती हैं। तो जो उनका ये पूरा रोबोट और ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो मजदूर हैं वो किसी भी तरह अपनी मेंटल स्थिति से वहाँ पर खराब ना हो, उनकी मानसिक स्थिति ना टूटे। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जिस समय दिल्ली में
निर्भया गैंग रेप हुआ था, उस वक्त अगर आपको ध्यान हो तो डॉक्टर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। निर्भया की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, उसके साथ में उन दरिंदों ने, वहशियों ने इतनी दुर्गति की थी कि यकीन मानिए कि एक मेडिकल साइंस के हिसाब से उस बच्ची जिसके साथ इतना गंदा सलूक हो जाए वो उसको जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, वो मेडिकल साइंस के हिसाब से उसके साथ उसको मर जाना चाहिए। लेकिन निर्भया की इच्छा शक्ति थी, उसकी मेंटल प्रेजेंस, उसकी जीने की क्षमता, उसे दोषियों को फांसी के फंदे तक चढ़ाने की ललक, ये सब चीजें उसके साथ थी। क्योंकि वो डॉक्टर से, डॉक्टर ये इस बात में चकित रह गए कि इतना ये निर्भया अपने सिर्फ और सिर्फ अगर जिंदा है तो अपने मनोबल के कारण जिंदा है, अपनी इच्छा शक्ति के कारण जिंदा है। ये बात अगर ये आज जो ये 16 मजदूर फंसे हैं जिनको निकालने का रेस्क्यू हो रहा है 16 दिन, अगर ये लोग अंदर, आप एक यकीन मानिए कुछ सेकेंड के लिए लिफ्ट बंद हो जाती है तो हमारी आपकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन जिस टनल में 16 दिन से ना सूर्य की रोशनी है, वहां पर पानी जैसे कीचड़ भी होगा, वहां पर कीड़े मकोड़े किस तरह की उनको समस्याएं आ रही होंगी, लेकिन उसके बाद जो उनका मेंटल बैलेंस इतना अच्छा है क्योंकि वो 16वें दिन भी बिल्कुल ठीक है। किसी किसी मजदूर को दिक्कत हो रही, किसी के सर दर्द हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, तो उसके लिए भी लगातार दवाइयां हैं और इस तरह की सप्लाइयां दी जा रही हैं कि उनको दिक्कत ना हो, लेकिन बहुत चैलेंजिंग है। तो अब ड्रोन मैन पर उम्मीदें टिकी हैं कि मजदूरों को वो किस तरह से मेंटल स्थिति उनकी सुधारते हैं, ड्रोन के जरिए कैसी मैपिंग होती है, रोबोट के जरिए वो कैसे जो है वहां पर इतनी सारी चीजें जो जैसा कि उन्होंने एक्सप्लेन किया वो कर पाते हैं।